हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं? असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट की बात करें तो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं और आप ऑडिट में कवर नहीं होते हैं तो उन लोगों के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर। अब ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, तो ड्यू डेट तो 100% एक्सटेंड होनी है ये मानकर चलिए, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में अभी नहीं पता है। और जैसा कि उम्मीद है और सोर्सेस से पता चला है तो 20 तारीख के बाद आप ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमेशा से होता आया है कि हमेशा ड्यू डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन लास्ट के 2-3 दिन में ही आता है, तो इस बार भी उम्मीद है कि लास्ट के हफ्ते में ही ये नोटिफिकेशन आएगा। ड्यू डेट 100% एक्सटेंड होनी है क्योंकि 7 जून को लॉन्च हुआ पोर्टल अभी तक सही से काम नहीं कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अभी रिसेंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी इन्फोसिस के साथ, जिसमें कि इन्फोसिस को कहा गया है कि 15 सितंबर तक उन्हें ये पोर्टल एकदम सही और अप टू डेट करके देना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि 15 तारीख तक या तो पोर्टल सही होगा या नहीं होगा। अगर 15 तारीख तक पोर्टल सही हो जाता है तब भी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो कि अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, क्या उन्हें सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए? और अगर पोर्टल सही नहीं हो पाता है तब भी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि पोर्टल सही नहीं है तो ड्यू डेट को तो एक्सटेंड होना ही है। तो दोनों ही केसेस में ड्यू डेट एक्सटेंड होने वाली है। उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के लिए ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन नोटिफिकेशन आने की उम्मीद लास्ट वीक में ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ITR फाइलिंग करना बंद कर देंगे। ITR 1 आराम से फाइल हो रहा है, आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप वेट कर सकते हैं अभी जब तक कि पोर्टल सही नहीं हो जाता है। ओल्ड पोर्टल के वापस आने के चांसेस यहाँ पर ना के बराबर ही दिख रहे हैं। जो भी है, हमें जैसे भी करना है इस नए पोर्टल पर ही करना होगा। तो आप लोग भी अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमें नए पोर्टल पर ही अब ITR फाइलिंग करनी होगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये पोर्टल सही हो जाएगा और हम अपनी ITR फाइलिंग रिज्यूम कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।